दुर्ग के पुलगांव थाना पुलिस ने घेराबंदी कर एक स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से गांजा सहित नकदी रकम बरामद की गई। दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाकर शहर के सभी जगहों पर सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलगांव थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलगांव चौक स्थित डी मार्ट के पास विक्रांत चंद्राकर उर्फ विक्की ग्राम कोनारी पुलगांव निवासी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी युवक अपनी स्कूटी पर करीब 5 किलो गांजा लेकर जा रहा था। साथ ही तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 20,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। वहीं इस कार्रवाई में पुलगांव थाना पुलिस ने कुल 82,000 का सामान जब्त किया है। इस संबंध में पुलगांव थाना प्रभारी ने अपनी जानकारी दी है। कल दिनांक 10/1/2024 को शाम करीबन 4:30-5 बजे मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति जो है अपने एक्टिवा वाहन से भिलाई से दुर्ग की ओर आ रहा है और अपने गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा है। मुखबिर सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी जो अपना नाम विक्की चंद्राकर उर्फ विक्रांत चंद्राकर निवासी कोनारी बताया, जिसके कब्जे से कुल 4.769 ग्राम गांजा, कीमती लगभग 50,000 रुपये, नकदी रकम 12,000 और सफेद रंग की एक्टिवा कीमती इसके 20,000, जुमला 82,000 जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ NDPS Sect 20 खा के तहत कार्रवाई की जा रही है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।